खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। बांद्रा के युवा कार्यकर्ता इमरान पवार के पवार हेल्थ फाउंडेशन के कार्यालय का उद्घाटन आमदार आशीष शेलार और हाजी अराफत शेख के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर 100 से भी ज्यादा जरूरतमंद छात्रों को स्टडी चेयर का वितरण किया गया। इमरान पवार पिछले कई सालों से स्किल इंडिया के द्वारा बच्चों की हेल्प करते आए हैं। उन्होंने कई गरीब बच्चों को पढ़ाया है, एजुकेशन दिया है, जितनी हो सके उन्होंने सहायता करने की कोशिश की है। पावर हेल्थ फाउंडेशन के कार्यालय के उद्घाटन से उन्हें एक और मजबूती मिलेगी। आइए आपको ले चलते हैं पावर हेल्थ फाउंडेशन के ओपनिंग सेरेमनी में और जानते हैं क्या कुछ कहा यहाँ आए सभी मान्यवरों ने। एक्टिविटीज़ के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान है। किसी भी तरीके से सोशल काम करने के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, गरीब लोगों की मदद के लिए रहता है। कभी उन्होंने पिछले टाइम उन्होंने एक ऐसी क्लासेस खोली कि जिसमें सब बच्चे लोगों को किसी ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाने का काम किया, किसी को पढ़ाने का काम किया, कभी किसी को उसने सिलाई मशीन खोल के दी। ऐसे कुछ ना कुछ एक समाज के लिए, समाज के हित के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहते हैं। आज बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज इमरान पवार का जन्मदिन है और जन्मदिन के ऊपर एक लोगों की खिदमत करने के लिए पवार फाउंडेशन का जो उन्होंने स्थापना की और मैं भी उसका हिस्सा बना, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा भाई बहुत अच्छे काम कर रहा है, आगे भी इस तरीके से काम करते रहे। पूरे सरकार की ताकत, पूरी पार्टी की ताकत और खुद मैं इमरान पवार के साथ हमेशा जरूर खड़ा रहूंगा। अच्छा, इनका नाम महाराष्ट्र के 3 स्केल में से नाम आता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? स्केल काफी इन्होंने काम किया है, थर्ड नंबर पे ये है। अरे मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पे आए और नंबर 1 पे काम करे। तीसरा नंबर पे रहने वाले लोग नहीं है क्योंकि आगे लगा है सरनेम पवार। अब पवार का मतलब आप समझ लो, जिसके पास पावर उसके पास पवार, और पवारों का इतिहास ही अलग है, निराला है। और ये इत्तेफाक की बात है, वो पवार की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा सरनेम, मेरी दादी का सरनेम पवार है, हम उस खानदान से है क्योंकि हम पूना से ताल्लुक रखते, तलेगांव दाबाड़े और जुन्नर आला फाटा नारायणगांव देहू रोड ये जो पट्टा है उसके अंदर अक्सर हमारे लोगों के सरनेम, हमारे दादा परदादा के दादी के सरनेम पवार ताड़े इस ये क्या देते। तो हमारा सरनेम अब वालिद की तरफ से पवार आया, ये भी लेके चल रहे उसकी चीज़ को और उस चीज़ को परंपरा को कायम रख रहे क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने खिदमत की और वो चीज़ को परंपरा को हम आगे लेके जा रहे हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि पूरे देश के अंदर ये फाउंडेशन नाम करे, आज इस जगह पे शुरुआत किए। मैं हमेशा कहता हूँ ड्रेस और एड्रेस, तो इमरान ने कहा कि मैंने अच्छा एड्रेस चुना और ड्रेस भी अच्छा पहना हूँ, तो मैंने बोला दोनों परफेक्ट होना चाहिए और काम भी परफेक्ट होना चाहिए। इतना ही कहूँगा
कि इस ऑफिस में आने वाले सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, यही मैं उसको खासतौर पर शुभेच्छा और दुआ देता हूँ। आपका सहयोग कैसे रहेगा? बिल्कुल साथ में ही रहेंगे। अब बिल्कुल आज मैं खुद बैठा हूँ यहाँ पे, आशीष सरदार साहब यहाँ पे बैठे हुए, पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी है, पूरे संगठन इनके साथ खड़ी है, वातु संगठन इनके साथ पूरी खड़ी है, खटिक समाज जो 30 लाख की संख्या के अंदर वो पूरा इनके साथ खड़ा है, और काम को सलाम है, परफॉर्मेंस को सलाम है। हम तो सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन काम तो इनको करना है, और इन्होंने पिछले कई सालों से मैं जो देख रहा हूँ 7-8 सालों में इन्होंने परफॉर्मेंस के ऊपर काम किया है, लोगों को कामयाबी के रास्ते पे लेके जाने के लिए इन्होंने बहुत आगे कोशिशें की है, और मुझे यकीन है कि ये बिल्कुल अपने खानदान का और मेरा नाम बिल्कुल हमेशा आगे ले ही जाएगा, कहीं पे भी बदनामी का इस तरीके से कोई दाग लगाने का काम कभी भी इनके तरफ से नहीं होगा, क्योंकि मुझे पूरा पूरा प्राउड है और आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। और मैं खास तौर पर दुआई देता हूँ कि अल्लाह इनको खूब तरक्की दे, अल्लाह इज्जत दे, शोहरत से, दौलत से, कामयाबी भी से नवाजे। आज जन्मदिन के अवसर पर सिर्फ इतना ही कहूँगा। जी आशीष शेलार साहब के बारे में ये कहूँगा कि हमेशा उनका बहुत सारा सोशल एक्टिविटीज़ को लेके हमारे पीछे, हाजी भाई का मेरे पीछे बहुत इनका सपोर्ट रहा। जब भी स्किल इंडिया के काम को लेके बताऊँगा कि मैं 2015 में मैंने स्किल इंडिया का काम शुरू किया था, जिसमें शुरुआत में मैंने 350 बच्चों से मेरी शुरुआत हुई थी, और 2 साल में मैंने 2600 बच्चों को मैंने कैंपेनिंग करके जमा करके मैंने इनको स्किल सिखाया, और इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत थी कि बहुत सपोर्ट किया था, जिसमें मेरे बड़े भाई अजीत भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, आशीष भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आगे भी पवार फाउंडेशन को लेकर बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज होते हैं, मेडिकल के काम को लेकर होते हैं, और आशीष भाई ने भी प्लान किया है कि बहुत जल्द बांद्रा में साथी में कैंसर हॉस्पिटल खोलने वाले हों, तो उसी जरिए हम लोग कैंपेनिंग कर करके जितने भी स्लम एरियाज है वहाँ पे जितनी भी वीकल फैमिलीज के लोग हैं जिनको एजुकेशन से लेके तो हॉस्पिटल से लेके जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह पवार फाउंडेशन और अजी भाई की पूरी टीम उनके खिदमत के लिए खड़ी रहेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल कल्पना थी और बिल्कुल पूरा यकीन था कि वो आएंगे, क्या जिस तरीके से हाजी भाई की हाजी भाई की जो मोहब्बत है और जो उनका जो जिस तरीके से उनका जो बॉन्डिंग मिलता है और उसके वजह से इतनी ताकत है, जो हाजी भाई के पीछे जो इतनी लाखों संख्या में मुसलमानों की ताकत है, तो ये सारी चीज़ें उनको देखी बहुत अच्छी मोहब्बत है और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो उनको आना ही था यहाँ पे। इमरान भाई के बारे में, पांडे के बारे में क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि आज हमें बहुत बेहद खुशी हो रही है यहाँ आकर, और हम ये चाहते हैं कि जो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं इनको कामयाब करें। क्या कहेंगे सर इस फाउंडेशन के बारे में? सबसे चीज़ को पहले बोलना चाहता हूँ इमरान भाई मेरे घर के भाई जैसे, क्योंकि फाउंडेशन तो आज इमरान भाई खोल रहे, पर इनका जो काम है पुराना, मतलब कम से 10 साल से लोगों की मदद करना है। आज से 3 साल पहले इलेक्शन में मेरी इतनी मदद की, जो उनका फाउंडेशन था जो पहले चलाते थे, आज मुझे एक अच्छा लगा और अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहे इमरान भाई। मैं तो चाहता हूँ इमरान भाई जैसे लोग और आवे तो अपने समाज में लोगों को आगे बढ़ाए, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे इस वक्त अल्पसंख्यक बहुत पीछे है। इमरान भाई जैसे लोग, जैसे हम जैसे लोग मिलके अल्पसंख्यक को आगे लाना चाहिए, ये हमारा मकसद है। इसमें इमरान भाई का बहुत बड़ा योगदान है कि बहराम पड़ा नौपड़ा के बच्चों को कितनी मदद करते हैं, जो साथ में मिलके हमने काम किया है, और आगे इनका विजन बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ इमरान भाई को अल्लाह और कामयाबी दे और आने वाले वक्त में बहुत अच्छी ऊपर पहुँचाए। इसके लिए इंडिया में इमरान भाई का थर्ड नंबर थर्ड रैंक है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो सोचता हूँ मैं आपके जो विजन है थर्ड रैंक है, जो आपका सर्वे कहता है, पर मेरे नज़र में इमरान भाई नंबर वन है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और आने वाले वक्त में इनके आपके सर्वे में इमरान भाई का तो फाउंडेशन नंबर वन रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा भी है इंशाल्लाह। सर यहाँ आए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि सर का मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा। सर एक बहुत ही डैशिंग और बहुत ही घातक बोल के नगर सेवक के हमारे वार्ड नंबर 96 बैठरा ईस्ट के, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये आए हैं हमारे वार्ड नौपाड़े की ऐसी कई समस्याएं थी, पानी को लेके, गटर को लेके, रास्तों को लेके, और बहुत सारी उसके अलावा बहुत सारी समस्या थी। पिछले 2-2.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, और सबसे बड़ा काम जो पानी का मसला था,
पिछले 40 साल से पानी की बहुत बहुत दिक्कतें तकलीफ हो रही थी, तो जब हरीम भाई जब नगर सेवक बन के आए हैं, इससे पहले कई नगर सेवक पिछले 50 साल से बैंड्रा नौपाड़ा ईस्ट में हमारे नौपाड़े के जितने भी लोग हैं वहाँ के जो वोटर्स हैं उनसे उनके जज्बातों से खेला गया, उनको धोखा दिया गया। और मैं सोचता हूँ कि मुस्लिम लीडर ऐसा होना चाहिए जिसको कोई हक नहीं है अपनी कौम को धोखा देने का, लेकिन मैं सोचता हूँ हजी हलीम भाई ऐसे मुस्लिम और इतने ईमानदार लीडर है जिन्होंने पार्टी की फंडिंग तो मोहल्ले में लगाया है लेकिन वो अपनी जेब का भी लगा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बोलना चाहते हैं कि मेरा भतीजा इमरान जो काम किया है वो बहुत इतना तारीफ के काबिल काम किया है उन्होंने कि भाई ऐसा है कि वहाँ पर जो ये जो तालाब के सामने लेगी में जो वहाँ पर इनका इंस्टीट्यूट था वहाँ पर 4,500-5,000 बच्चों को इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर सिलाई का कंप्यूटर का मतलब हर कोर्स इन्होंने करके दिए वहाँ पर। और अभी ये यहाँ पर आए और इंशाल्लाह और आगे जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, हमारी दुआ है इनके इंशाल्लाह। क्या कहिए सर, इमरान भाई के ऑफिस ओपनिंग हुई है हेल्थ फाउंडेशन पवार हेल्थ फाउंडेशन सर पवार हेल्थ माशाल्लाह। हमारे जो इमरान भाई है ये कई सालों से हम इनको देख रहे, ये बहुत अच्छा सोशल वर्क काम करते हैं भाई। हम भैया जिधर इनकी ज़रूरत होती है ना, जो भी इनको बुलाता है ना, ये टाइम पर वहाँ पहुँच जाते और इंशाल्लाह वहाँ पर जो है काम जो है कामयाब करके ही रिटर्न आते भाई। और आज जो इन्होंने पवार फाउंडेशन खोला है ना भाई, ये हमारे को बहुत खुशी है। हम लोग यहाँ पर आए इनको सपोर्ट करने के लिए और जब भी इनको हम हमारे जैसे दोस्तों की हमारे भाई है इनको जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनके लिए खड़े। और हम इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि इमरान भाई जिस तरह से काम जिस तेज़ी से काम कर रहे वही तेज़ी से आगे भी और काम करें, अमीन अमीन, और पब्लिक का जो है फ़ायदा करें वे लोगों का। बिल्कुल हमारे इमरान भाई की दुआ है हमारी कि इमरान भाई बहुत आगे बढ़े इंशाल्लाह, सब हमारे दोस्तों से आगे निकले हुए भाई। कहना ये है जो आज मैं यहाँ आया हूँ और एक इनकी जो यूनिटी दिखी है, वाकई जो पवार साहब हैं पवार साहब इनकी जो पावर है सब में दिख जाएगी और ये फाउंडेशन एक बहुत आगे जाने वाला है सबके लिए, मतलब बहुत अच्छी सोच रखने वाला ये इंसान और बहुत आगे बढ़ने वाला कदम है। तो इसके साथ कदम से कदम मिला के सब आगे बढ़ें और इस इमरान पावर फाउंडेशन हेल्थ फाउंडेशन को आप सब मिलके सबको सपोर्ट दें और आगे बढ़ाएं। क्या कहेंगे इस पावर फाउंडेशन के बारे में, हेल्थ फाउंडेशन? नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये मेरे भाई इमरान पवार, इन्होंने पवार फाउंडेशन खोले। सबसे पहले तो मेरा भी नाम अजित पवार है, सबसे पहले तो मेरे को गर्व है कि मेरा भाई पवार नाम से फाउंडेशन खोला। और मुझे मालूम है यहाँ पर आने वाला कोई निराश नहीं जाएगा इनके ऑफिस से, उनके लायक जो भी काम रहेगा सब काम होगा इंशाल्लाह। और हमारी दुआ रहेगी, हमारी शुभकामना रहेगी कि पवार फाउंडेशन आगे चले और बहुत इसके जो ब्रांच है नई मुंबई, पनवेल, महाराष्ट्र में कोने कोने पे पवार फाउंडेशन पहुंचने का काम करेगा। और इनके जो भाई ने जो सोचा है कि लोगों की खिदमत करने का, लोगों का काम करने का, इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि पवार फाउंडेशन के तरफ से ये चल रहा है। यही बस मैं कहूँगा भाई को, अपनी शुभकामना दूंगा। हेल्थ फाउंडेशन के बारे में क्या कहेंगे? इमरान पवार हेल्थ फाउंडेशन के बारे में तो यही कहूँगा, इससे पहले भी जो भाई ने अपने सोशल वर्क का काम किए थे इसमें काफ़ी माहिर थे, एक्टिविटीज़ पूरा बांद्रा वेस्ट में इनका नाम हो गया था स्किल इंडिया का। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी ये पवार फाउंडेशन खोले, खुद का नाम जो आज आया है पवार फाउंडेशन, ये बेहद खुशी की बात है और लोग इनको भी पहचानने लगेंगे कि इमरान पवार क्या चीज़ है। बस यही कहना चाहूँगा। क्या कहेंगे पवार हेल्थ फाउंडेशन के बारे में, क्या कहेंगे और किससे जुड़े आप? ये तो मेरा बचपन का दोस्त है इमरान, तो इसके लिए हम लोग हर दिन यानी जुड़े हुए, हर काम में इनके साथ जुड़े हुए। और ये जो फाउंडेशन खोला है इसके साथ तो बोले हम लोग जब भी बोलेगा हम उसके साथ हैं। और जैसा आपने देखा इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ हमारे भाई का, माशाल्लाह अल्लाह इसको हमारा प्रोग्राम अल्लाह इसको बहुत तरक्की देवे, आमीन। और ये फाउंडेशन बहुत उचित तरीके से ऊपर जावे। जी हमारे इमरान भाई पहले भी बहुत लोगों का हेल्प करते थे और उनको बहुत सारी स्कीमें सिखाए, बहुत सारे मास्टर प्रो के डायरेक्टर थे। अभी फाउंडेशन खोले पावर फाउंडेशन, उसके अंदर भी लोगों को हेल्प करेंगे और इंशाल्लाह आगे काम करते रहेंगे। खबर 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।